हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, वैदिक गणित के लास्ट क्लास में हमने क्या देखा हुआ था, परावर्ती योज्य सूत्र की सहायता से अंक गणित के प्रश्नों को हम कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में दोस्तों हमने सीख लिया था। आज की इस क्लास में मैं आपको बीज गणित के क्वेश्चन को कैसे हम डिवाइड करते हैं परावर्ती योज्य सूत्र की सहायता से, इसके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस खूबसूरत क्लास को हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों, हमारा जो सूत्र चल रहा था, चौथा नंबर का जो हमारा वैदिक गणित का सूत्र चल रहा था, वो कौन सा है, परावर्तीय योज्यत। और परावर्तीय योज्यत सूत्र की सहायता से हम अंक गणित और बीज गणित दोनों प्रकार के गणितों के हम जो क्वेश्चन रहते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। अंक गणित के जो क्वेश्चन को डिवाइड करना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। आज हम क्या करेंगे, बीज गणित के जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे परावर्तीय योज्यत सूत्र की सहायता से डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं अपने उदाहरण की ओर बढ़ना चाहूंगा, प्रश्नों की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। और ये आपका प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। देखो क्या बोला गया है कि 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हमें x प्लस 1 से भाग देना है। तो ये जिससे भाग देना है ये तो हमारा कहलाता है भाजक। अब जिसको भाग दे रहे हैं ये तो हमारा कहलाता है भाज्य, यानी कि इस भाज्य को इस भाजक से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखो, जो बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक की तैयारी कर रहे हैं, भैया स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके सिलेबस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है बोल दिया जाता है कि इसको इससे परावर्ती योज्य सूत्र की सहायता से भाग करो। तो अंक गणित को भाग देना हमने अच्छे से सीख लिया है। आज सीख लेते हैं बीज गणित के क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये अंक गणित के जैसे ही होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर तीन कॉलम बना लेते हैं। फटाफट से हम यहां पर तीन कॉलम बना लेंगे, ठीक है, तीन खंड बना लेते हैं जैसे कि अंक गणित में बनाते हुए आ रहे थे। ये एक कॉलम बन चुका और दो कॉलम यहां पर और बन चुका, ये तीन कॉलम। हां चलिए, तो ये पहला नंबर का आपका कॉलम हुआ, ये दूसरा नंबर का आपका कॉलम हुआ, और ये आपका दोस्तों तीसरा नंबर का कॉलम हुआ। तो पहले नंबर के कॉलम में हम रखते हैं भाजक को। तो भाजक हमें दिया गया था x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे में हम रखते हैं संशोधित भाजक को। अब ये संशोधित भाजक हम कैसे निकालते, देखना। तो जो भाजक है उसको आप 0 के बराबर ले लो। तो x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर लेंगे तो +1 उधर जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो संशोधित भाजक, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख लो संशोधित भाजक। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने को पढ़िए। तो संशोधित भाजक हमें मिला हुआ है, ऋण का एक मिल चुका, इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब देखो एक अंक वाला यहां पर मिला हुआ है, तो भाज्य के एक अंक को हम तीसरे वाले कॉलम में रखेंगे, तो +3 यहां पर लिखा जाएगा, +3 को मैंने लिख दिया। जो बच गया है उसको दूसरे वाले खंड में रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहां पर बीज गणित वाला है, तो केवल हम यहां पर चरों के गुणांकों को रखेंगे, x y जो भी फॉर्म में दिया जाएगा उसके हम गुणांकों को रखेंगे। तो x को छोड़ेंगे -5, तो -5 को मैं यहां पर रखूंगा, रख दिए। उसके बाद यहां पर x स्क्वायर को छोड़ेंगे, यहां पर धन का 7 लिखा जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो धन के चिन्ह के साथ है। यहां तक का अगर समझ में आ चुका तो आपका 40% काम हो चुका। एक लाइन और खींच देते हैं ऐसे। अब देखो तो शुरू वाले को तो हम एज इट इज लिखते हैं, धन 7 को मैंने एज इट इज लिखा। अब 7 का गुणा संशोधित भाजक के साथ करेंगे, तो धन और ऋण का गुणा यहां पर आ जाएगा, ऋण 7 × 7 हो जाएगा, 7 को मैंने उतार लिया। ऋण 5 और ये ऋण 7 दोनों को जोड़ देंगे, ऋण का चिन्ह लग जाएगा, 5 और 7 ये हो जाएगा 12। अब इस ऋण 12 का गुणा संशोधित भाजक ऋण 1 के साथ करेंगे, तो ऋण और ऋण ये हो जाएगा धन में बदल जाएगा, 12 × 12 ये यहां पर लिखा गया। अंतिम वाले अंक के नीचे में जब कोई अंक आ गया तो इधर को हम जोड़ देंगे। अब देखो तो 3 और 12 ये हो जाएगा धन का 15, ये आपका हो चुका शेषफल। क्या मिल गया, शेषफल मिल गया, ये है हमारा भागफल। लेकिन ये बीजगणित वाला है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो x के फॉर्म में लिखेंगे, चूंकि x के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया था तो x के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, आप इकाई की तरफ से x के बढ़ती हुई घात के रूप में लिखोगे। तो यहां पर देखो ऋण 12 दिया गया है, उसके घात में x की घात में लिखो 0, ऋण 12 और x की घात में लिखोगे 0, ठीक है। फिर क्या था, धन का 7 था, अब x की घात में यहां पर क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखा, अब यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं।
शुरू वाले को धन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सात हो जाएगा, एक्स के घात एक है, मतलब कि एक से ही लिखाएगा, घात एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस एक्स के घात में जीरो है, किसी भी चर या फिर अचर, किसी भी संख्या का चाहे वो चर हो या फिर अचर हो, उसके घात में दोस्तों अगर आपको जीरो देखने के लिए मिल गया, उसका मान होता है एक। अब एक का गुणा होगा बारह से, तो बारह आने वाला है, ये आपका होगा भागफल का मान। ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया 7x-12। और ये जो धन का 15 आया हुआ है ना, ये आपका कहलाएगा शेषफल का मान। तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में बीजगणित के क्वेश्चन को भी इजिली डिवाइड कर सकते हैं परावर्त योजीय सूत्र की सहायता से। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए हाँ, अब इस प्रश्न में क्या बोला दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं, आ जाओ। तो एक्स क्यूब प्लस 2x-12 को x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है, तो हमें इसको भाग देना है, यानी कि ये हमारा हो गया भाज्य, और इससे भाग देना है, तो ये हमारा हो गया भाजक। क्या हो चुका, भाजक हो चुका। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना आप लोग, x क्यूब दिया है, फिर डायरेक्टली x की घात एक वाला पद आ चुका है, x की घात दो वाला पद यहां पर गायब है। तो बीजगणित में भाग देते समय आपको ध्यान रखना है कि एकदम सिरिस क्रम से चलना चाहिए। यहां पर x की घात दो वाला पद गायब है, तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो x क्यूब हो जाएगा प्लस, उसके बाद डायरेक्टली ये था, आना तो चाहिए था x की घात दो वाला पद, तो जीरो लिखो और x की घात में यहां पर लिख दो दो। अब इसका मान क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसा लिखना पड़ता है। अब x की घात एक वाला पद यानी कि 2x लिखा जाएगा, ये 2x हो चुका और ये प्लस का 12 हो चुका, यानी कि ये हमारा संशोधित भाज्य हो चुका, ये हमारा भाजक हो गया। तो इसको अब हमें इससे डिवाइड करना है। फटाफट से हम क्या करते हैं, तीन कॉलम बना लेते हैं, तीन कॉलम बना लेते हैं। आओ, तो ये पहला हमारा कॉलम बन गया, और दो कॉलम मैं यहां पर और बना लेता हूं, ये तीन कॉलम हमने बना लिया। तो यहां पर अब हम लिखते हैं किसको, अपने भाजक को, जो कि है x प्लस 2। अब इसका हम संशोधित भाजक निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर ले लेते हैं, धन दो उधर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ऋण का दो, तो x बराबर ऋण का दो, तो ऋण दो आपका हो चुका संशोधित भाजक। हाँ, आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। संशोधित भाजक दोस्तों क्या मिल चुका मुझे बता दो, तो सर हमें मिल चुका यहां पर ऋण का दो। क्या मिल चुका, ऋण का दो मिल चुका, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ये एक अंकों वाली संख्या है, तो जो भाज्य उसका एक अंक इधर लिखा जाएगा, तो धन का 12 इस साइड लिखा चुका, बाकी जो एक्स के गुणांक है उसको हम दूसरे वाले कॉलम में रखेंगे। ये पहला वाला खंड हो गया, दूसरा वाला खंड हो गया, ये तीसरा वाला खंड हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद क्या था, धन का दो, x को नहीं लिखेंगे ना, तो धन का दो यहां पर लिखा जाएगा, धन का दो मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या था, धन का शून्य, तो धन का शून्य यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, धन का शून्य आ गया। फिर क्या था, x की घात में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि गुणांक क्या होगा, एक होगा, तो यहां पर धन का एक लिखा जाएगा। यहां तक हमें समझ में आ गया है, 40% काम हमारा हो चुका। चलो अब हम करते हैं यहां पर गुणा भाग। तो पहला वाला तो एज इट इज लिखाता है, धन का एक लिखा चुका है, एक का गुणा होगा ऋण दो के साथ, तो धन और ऋण का गुणा, ऋण में आने वाला है ऋण का दो हो जाएगा, तो शून्य और ये ऋण का दो क्या मिलेगा, ऋण का दो मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां पर ऋण का दो और ये ऋण का दो, दोनों का गुणा होगा संशोधित भाजक के साथ, तो ऋण और ऋण ये हो जाएगा धन का चार लिखा जाएगा, दो दूनी चार हो चुका, तो ये धन का दो और ये धन का चार, तो चार और ये दो कितना हो जाएगा, धन का छह मिल चुका, धन का छह मैंने लिख लिया। धन का छह का गुणा होगा ऋण दो के साथ, तो धन और ऋण ये हो जाएगा, ऋण छह का गुणा होगा दो से, तो छह दूनी बारह। अंतिम वाले अंक के सामने में जब कोई अंक लिखा जाए, तो इधर से हम घटाना स्टार्ट जोड़ना जो भी है चिन्हों को देखकर स्टार्ट कर देते हैं। देखो तो 12 में 12 गया, ये धन का है और ये ऋण का है, तो क्या मिलेगा, जीरो। शेषफल यहां पर हमें मिला जीरो, क्या मिला, शेषफल मिला जीरो। अब ये हमारा होता है भागफल, हाँ भागफल। अब इसको हम इकाई के तरफ से x के बढ़ती हुई घात के रूप में लिखते हैं, तो पहले मैंने धन का 6 लिखा, अब x के साथ में मैंने यहां पर घात में लगा दिया जीरो। फिर ऋण का 2 है, अब x की घात में पहले जीरो लगाए, अब यहां पर 1 लग जाएगा, 1 लगा दिए,
फिर प्लस वन है, प्लस वन है, अब x की घात में क्या लगाऊं, यहां पर एक लगा तो अब यहां पर लग जाएगा दो, दो लग चुका है, एक लाइन इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो गुणांक एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, शुरू के धन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो x स्क्वायर बस बच गया। अब यहां पर माइनस x की घात एक है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, x की घात जीरो, इसका मान मैंने बताया कि एक होता है, अब एक का गुणा करेंगे छह के साथ तो छह ही आने वाला है, ये आपका भागफल का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका भागफल हो गया। अब ये जो जीरो है ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका शेषफल हो चुका। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आप इस तरह से आप बीजगणित के क्वेश्चन को भी डिवाइड कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं, आइए। हाँ, तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखो, 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 9 को 2x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है, तो ये तो हमारा होता है भाज्य, अब ये हमारा कहलाता है भाजक। चलिए दोस्तों अब इसको मैं डिवाइड करके आपको बताता हूं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम तीन कॉलम बनाते हैं, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, ये पहला कॉलम आपका हो चुका, दो कॉलम इधर और बना लेता हूं, ये बना लिया, ठीक। चलो आइए, तो यहां पर पहले वाले कॉलम में हम किसको रखते हैं, अपने भाजक को जो कि हमें मिला हुआ है 2x प्लस 1। दूसरे वाले कॉलम का हम काम बाद में करेंगे, तीसरे वाले कॉलम का काम भी हम बाद में करेंगे। इससे पहले हमें यहां पर निकालना पड़ेगा भाजक के नीचे में संशोधित भाजक, इसके लिए हम क्या करते हैं 2x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। यहां पर 0 के बराबर लूंगा तो x का मान निकालूंगा, तो 2x को पहले यहीं पर रहने दिया, तो प्लस 1 उधर जाकर माइनस का 1, x के साथ जो दो गुणा में है वो ऋण 1 के बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ऋण का 1/2 आ चुका, यानी कि संशोधित भाजक, संशोधित भाजक या फिर परिवर्तित भाजक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें मिला हुआ है ऋण का 1/2 मिल चुका, ये एक अंक वाली है, तो भाज्य के एक अंक को हम तीसरे वाले कॉलम में रखते हैं चिन्ह के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 9। अब दूसरे वाले कॉलम में जो x के गुणांक है उसको रखेंगे, तो x को नहीं लिखूंगा, ऋण का 5 आ जाएगा, यहां पर ऋण का 5 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, धन का 4, धन का 4 लिखा जाएगा। अब यहां पर धन का 4 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली धन का 4 नहीं लिखेंगे, फिर से यहां पर ध्यान देना है। देखो x की घात 3 के बाद x की घात 2 वाला पद गायब है, तो इसके लिए हम फिर से हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो 4x क्यूब पहले लिखा गया, x की घात 2 वाला पद गायब है, तो 0 के साथ x की घात 2 वाला पद लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 9 को उतार लेंगे, तो माइनस 5 के बाद यह प्लस का 0 वाला पद आने वाला है, तो प्लस का 0 आ चुका। उसके बाद लास्ट में आएगा प्लस का 4, ये इस तरह से आप इसको करने वाले हो, विशेष रूप से यही क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं, तो इसको ध्यान देना है, घात को आपको ध्यान देना है, घात एकदम क्रम से चलना चाहिए, किसी पद गायब है तो उस पद को भी लिखेंगे 0 के साथ गुणा करके। चलिए अब क्या करते हैं, तो एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, बिल्कुल खींच दिए। अब चलो, तो पहले वाले पद को हम तो एज इट इज लिखते हैं, धन का 4 लिखा गया, धन का 4 का गुणा, धन के 4 देखो 4 का गुणा मैं करूंगा संशोधित भाजक ऋण 1/2 के साथ, तो 2 1 कम 2 और ये 2 2 4, ये 2 जो है वो धन का है और ये ऋण का है, तो 2 और ये 1 का गुणा होगा, तो 2 1 कम 2 धन में आएगा कि ऋण में आएगा, तो ये धन में और ये ऋण में, ऋण में आने वाला है, क्या आया, तो यहां पर देख लो 2 आ चुका है, 2 मिल चुका। शून्य और ये ऋण 2 क्या मिलेगा, ऋण 2 ही मिलने वाला है। अब ऋण 2 का गुणा संशोधित भाजक के साथ करेंगे, तो ऋण 2 का गुणा हो जाएगा ऋण 2 के साथ, देखो ऋण और ऋण का गुणा धन में आएगा, 2 1 कम 2 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिखा आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी धन का 1 आने वाला है, ठीक। अब ये ऋण का 5 और ये धन का 1, तो 5 में हम 1 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 5 के सामने में ऋण का चिन्ह और 1 से बड़ा है, तो बड़े वाले का चिन्ह यानी कि ऋण का 4 मिल चुका, ठीक है। चलो अब ऋण 4 का गुणा ऋण 1/2 के साथ करेंगे, तो ऋण और ऋण का गुणा ये तो धन में आने वाला है, 4 का गुणा करेंगे किसके साथ करेंगे, 1/2 के साथ, चिन्हों का पहले ही मैंने गुणा कर दिया, तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, 2 1 कम 2, तो 2 आ चुका, यहां पर क्या मिल चुका, 2 मिल चुका। ये सब चीजें काम आपको रफ में कर लेना भाई। चलो आ जाओ, अब देखिए दोस्तों
अब अंतिम वाले अंक के नीचे में अंक आ चुका है, तो इसको जोड़ना घटाना स्टार्ट करते हैं। ये ऋण का 9 है और ये धन का 2 है, तो यहां पर मैं बड़े में छोटे को घटा दूंगा तो 7 मिलेगा। अब ये 9 जो है वो 2 से बड़ा है, 9 के सामने में ऋण का चिन्ह है, तो क्या मिलेगा, ऋण का 7 मिल चुका है। ये हमारा भागफल होता है, लेकिन इसको x की बढ़ते हुए घात के रूप में लिखेंगे इकाई की तरफ से। तो ये ऋण का 4 पहले लिखो, फिर गुणा में x की घात, ये लिखा जाएगा 0। दूसरा वाला पद लिखा जाएगा ऋण 2, फिर x की घात में क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। फिर धन का 4 लिखो, फिर x की घात में देखो ये घात 1 हो गया, अब घात में क्या लिखाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो हमारा भागफल जो आने वाला है 4x स्क्वायर, इसको जमा कर देता हूं, -2x, x की घात 0, इसका मान 1 होता है, तो ये केवल ऋण का 4 आ चुका, ये आपका हुआ भागफल का मान, भागफल का मान। और ये आपका शेषफल हो चुका जो कि मिला हुआ ऋण का 7। भागफल में आप थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हो, क्या कि यहां पर 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, इस भागफल को, तो सब में 2 छुपा हुआ है, तो मैं तीनों पदों को 2 से भाग दे दिया, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2x से स्क्वायर बदल जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल और केवल -x आ गया। अब यहां पर 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो ऋण का 2 आ चुका, ये आपका भागफल आ चुका और ये आपका शेषफल आ चुका। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आज की इस क्लास में क्या सीखा हुआ, परावर्त योजीय सूत्र की सहायता से बीजगणित के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये इस तरह से 4th नंबर का जो फार्मूला ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, 5वें नंबर का जो हमारा आता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के अगर और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो, और अपने प्यारे दोस्तों तक बिल्कुल इसको शेयर करना है, ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और वो भी कुछ नया सीख सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।